आज की वीडियो हम बात करेंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की। यहाँ पर दोनों अपकमिंग मोबाइल से ये बताऊंगा इस वीडियो में आपको, आपके लिए कौन सा मोबाइल ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो कम्प्लीट वॉच कर लें, जस्ट 6 to 7 मिनट्स की वीडियो होगी, तो आई होप सो आप वीडियो कम्प्लीट वॉच कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की। देखिए यहाँ पर एप्पल में तो आप जानते हैं पिल एंड होल डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कि न्यू डिज़ाइन आ रहा है, जबकि सैमसंग की जो बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल से S22 लाइनअप वाला इस यहाँ पर डिज़ाइन आएगा, बैक पर भी फ्रंट पर भी, ठीक है ना। अंडर डिस्प्ले कैमराज नहीं आ रहे हैं S23 अल्ट्रा के अंदर। और यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों ने यहाँ पर काफ़ी सारा अपग्रेड किया है। यहाँ पर सैमसंग डाल रहा है अपने मोबाइल के अंदर 200 मेगापिक्सल का बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा, और एप्पल ने भी अपग्रेड किया है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा डालेगा एप्पल, जो कि 2015 से यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर चल रहा था। मीन्स के आईफोन 6s से यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का सेंसर चल रहा था, तो एप्पल अब 48 मेगापिक्सल का सेंसर डालेगा अपने कैमरा के अंदर। और यहाँ पर मज़ीद बात करते चले, देखें बिल्ड क्वालिटी पर आ जाते हैं जल्दी। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर किस मोबाइल की ज़्यादा बेहतर रहेगी? मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी में टाइटेनियम बिल्ड के साथ आ रहा है एप्पल, तो एप्पल तो फिर एप्पल ही है। एप्पल की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर रहेगी बनिस्बत सैमसंग। एंड मज़ीद बात कर लें इसके बारे में, तो सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी इतनी बुरी नहीं होगी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी होगी, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी सा मिल जाएगा। देखिए मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी होगी कि यहाँ पर एलुमिनियम होगा सैमसंग के अंदर, और एप्पल के अंदर हमें मिल जाएगा टाइटेनियम बॉडी। दैट्स फॉर रीज़न मैं कह रहा हूँ एप्पल जैसी बिल्ड क्वालिटी नहीं होगी सैमसंग के अंदर। और मज़ीद बात कर लें, देखें यहाँ पर मैं कोरा बताता चलूँ। यहाँ पर आप जानते ही हैं दोनों मोबाइल्स में बेस वेरिएंट तो 128 GB वाला ही आएगा, और जो अल्ट्रा मॉडल होगा सैमसंग का और प्रो मॉडल होगा जो इसका एप्पल का, तो यहाँ पर टेराबाइट तक स्टोरेज मिल जाएगी हमें, ठीक है। एंड मज़ीद बात कर लें इसके बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से प्रोसेसर का दोनों का क्लियर करता चलूँ। देखें प्रोसेसर तो यहाँ पर ना एप्पल का ही बेस्ट होगा, ठीक है। एप्पल A16 चिप होगी यहाँ पर एप्पल की, और 2022-2023 का वन ऑफ दी बेस्ट और वन ऑफ दी फास्टेस्ट और वन ऑफ दी एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसर होगा एप्पल का ही, ठीक है ना। और यहाँ पर और दी बेस्ट डिस्प्ले तो हमें यहाँ पर 2023 का मिलेगा S23 अल्ट्रा के अंदर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा वन ऑफ दी बेस्ट, यहाँ पर द बेस्ट डिस्प्ले मिलेगा S23 अल्ट्रा में, ठीक है, ये तो हम बात जानते हैं। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की, बैटरी लाइफ किसकी ज़्यादा बेहतर होगी। देखें यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है 13 प्रो मैक्स मैं आपको बात करूं, क्योंकि 14 प्रो और यहां पर S23 तो अल्ट्रा भी रिलीज़ ही नहीं हुआ, तो यहां पर कौन सी बात होंगी। तो यहां पर जो एक्सपीरियंस है मेरा आईफोन 13 प्रो मैक्स के साथ, 13 प्रो जाता है 1.5 डे, ठीक है। और जो यहां पर सैमसंग का मोबाइल है S22 अल्ट्रा, तो वो ऑलमोस्ट 1 डे चल जाता है, पीछे बैटरी रह जाती कोई 15 से कभी 20%, ठीक है। और यहां पर अगर बात कर लें इनके बारे में मज़ीद, तो मैं इनके कैमरा सेंसर तो पहले बता चुका हूँ। देखें सेल्फी कैमरा इस दफ़ा कहा जा रहा है कि जो एप्पल का फ्रंट कैमरा मेगापिक्सल सेम होंगे प्रीवियस वेरिएंट से, इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर में आया था, बट यहाँ पर हमें कुछ एपर्चर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, मींस के लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगी एप्पल के अंदर। और सैमसंग के अंदर हमें यहाँ पर पूरा नया यहाँ पर फ्रंट कैमरा ही मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि कहा जा रहा है कि 32 मेगापिक्सल का होगा। अभी वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी आएगा, तो अभी वो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो क्या प्राइसिंग होगी। देखें प्राइसिंग की तो बात कर लें तो लगभग कोई सेम ही प्राइस होगी, $800 दोनों मोबाइल से प्राइसिंग स्टार्ट होगी। और प्राइसिंग में ये दोनों मोबाइल बढ़ेंगे एक टाइम पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर ये देखें दोनों ही मोबाइल $800 से स्टार्ट हो गए, ऊपर $1200 तक जा रहे हैं दोनों मोबाइल्स, आईफोन का भी और सैमसंग का भी, ठीक है ना, जो प्रो मैक्स है और जो अल्ट्रा मॉडल है, ओके। एंड यहाँ पर अगर मज़ीद बात कर लें, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आपको पसंद है मींस के आपको अगर एंड्रॉयड ज़्यादा पसंद है या फिर आपको मोर सिंपल और मोर स्मूथ फ़ोन ज़्यादा पसंद है, मींस के आप एप्पल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा लुक्स वाइज अच्छा लगता है और कौन सा मोबाइल आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जिस मोबाइल के साथ। अब बहुत से लोग हैं इतना स्मूथ आईफोन होता है, इतना अच्छी परफॉर्मेंस देता है, फिर भी वो कहते हैं हम सैमसंग ही यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो सब कुछ यहाँ पर सैमसंग ही है, ठीक है ना। और जो लोग प्रो एप्पल के यहाँ पर बिल्कुल प्रो होते हैं एप्पल के,
जो मतलब बिल्कुल एप्पल के सिवा कुछ यूज ही नहीं करते, तो फिर उनके लिए तो एप्पल ही होगा। बट ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग वेट कर रहे हैं या तो आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए या तो फिर S23 अल्ट्रा के लिए। ठीक है, देखें कंपैटिबिलिटी की बात कर लें यहाँ पर, तो कंपैटिबिलिटी में तो यहाँ पर जो है हमारे पास 14 प्रो मैक्स में तो उस दफ़ा टाइप सी नहीं आ रही है। ठीक है ना, हमें वेट करना पड़ेगा 2025 वाले मोबाइल के लिए, 2024 वाले मोबाइल के लिए, जो आईफोन का आईफोन 15 होगा, आईफोन 16 होगा। ठीक है ना, यहाँ पर अगर बात कर लें इसके बारे में सैमसंग के, तो सैमसंग में तो टाइप सी मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमें डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट मिलेगी, चार्जिंग भी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर मजीद बात कर लें इसके बारे में, तो कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, मीन्स कि आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं टाइप सी वाला, टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं टाइप सी वाला, यहाँ पर और भी मजीद चीज़ें टाइप सी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी बन जाती है, वो आराम से चल जाता है। ठीक है ना, और जो एप्पल के लिए तो एप्पल की अलमशहूर लाइटनिंग है, तो उसमें सुस्त सा डाटा ट्रांसफ़र होता है इतने जदीद ज़माने में भी, तो फिर वो ऐसे ही बस सुस्ती दिखाते रहते हैं एप्पल वाले। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर बात कर लेंगे कंपैटिबिलिटी की, देखें अगर आप S23 मतलब S23 अल्ट्रा लेते हैं, तो आप उसके साथ कोई भी एंड्रॉयड वो चला सकते हैं। ठीक है ना, और कोई भी आप एंड्रॉयड चीज़ें चला सकते हो। एप्पल की सैमसंग की इतनी प्रोडक्ट्स हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, टीवी वगैरह, स्मार्ट टीवी, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, माना कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, बट इंटरनेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी वहाँ पर कंपेटिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है बनिस्बत एप्पल। और एप्पल की तो हम अगर प्रोडक्ट्स देखें तो वो गिनी चुनी प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल की अपनी एयरबड्स हैं जिसको हम एप्पल प्रो के मतलब एप्पल प्रो 2 भी जो आएंगी। ठीक है ना, और यहाँ पर एप्पल के अपने टैबलेट हैं, एप्पल का अपना मैक है, मैकबुक है, और एप्पल वॉच है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट सैमसंग की, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी, यहाँ पर फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं किन की चीज़ों का बताऊँ। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं फिर दोबारा अगेन कहूँगा, आपकी पर्सनल चॉइस है जौन सा मोबाइल आपको पसंद है। ठीक है, बट यहाँ पर जौन सी चीज़ें अच्छी थी वो बता दी, मैं दोबारा गिनवाता हूँ। देखें बिल्ड क्वालिटी में एप्पल, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर देखा बड़ा चेंजेस देखा जाए, तो वो भी मुझे एप्पल में नज़र आ रहा है, क्योंकि पिल एंड होल्ड डिस्प्ले आ रहा है एप्पल के अंदर। ठीक है, जो कि अब सैमसंग के जो सेम S22 अल्ट्रा जैसा ही मोबाइल होगा, S23 अल्ट्रा, यहाँ पर लुक वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, वैसे इंटरनल्स तो काफ़ी चेंज होंगे, बट लुक वाइज S23 अल्ट्रा जैसा, S22 जैसा ही होगा S23 अल्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लें मजीद, इसके बाद बैटरी लाइफ में एप्पल ही है। ठीक है ना, आईफोन ज़्यादा बेस्ट रहेगा बनिस्बत सैमसंग, और बिल्ड क्वालिटी में भी ज़्यादा अच्छा रहेगा एप्पल ही। और यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस देखें, जिन लोगों को वाइब्रेंट कलर पसंद है उनको लोगों के लिए सैमसंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिन लोगों को नेचुरल कलर पसंद है, जो अच्छा नेचुरल फोटोज़ चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पर एप्पल ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, तो बिल्ड क्वालिटी में एप्पल हो गया, बैटरी लाइफ में एप्पल हो गया, कैमरा परफॉर्मेंस में भी एप्पल हो गया, एंड डिस्प्ले में मेरे ख्याल से अच्छा होगा डिस्प्ले, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है ना, बट मैं ये नहीं कह रहा दी बेस्ट डिस्प्ले होगा, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ पर अगर मैं मज़ीद बताता चलूँ आपको, तो यहाँ पर इस सैमसंग के अंदर देखें बेस्ट डिस्प्ले होगा। प्रोसेसर तो मैं ये कहूँगा स्नैपड्रैगन का 8+, यहाँ पर 8 Gen 2 आएगा प्रोसेसर। ठीक है, जो एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट प्रोसेसर होगा उस वक्त का। ठीक है, और जो एप्पल के अंदर तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर भी आएगा, जिसकी क्लॉक स्पीड बहुत ज़बरदस्त होगी, जिसकी पावर एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि अभी एप्पल A16 चिप का कोई बहुत ज़्यादा लीक एंड रूमर्स निकल कर नहीं आया, हो सकता है कि यहाँ पर 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, क्योंकि पहले एक लीक एंड रूमर निकल कर आया था जिसमें कहा जा रहा था कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी एप्पल A16 चिप। ठीक है, लेसी के 16 यहाँ पर 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है या 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे होती है। ठीक है ना, और यहाँ पर काफ़ी सारे बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, बट वीडियो लंबी ना हो तो मैं अगेन कहूँगा, जोन सा मोबाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है मोबाइल फीलिंग, यहाँ पर हैंड फीलिंग ज़्यादा अच्छी देता है, जो आपको ब्रांड ज़्यादा पसंद है तो आप वो जा सकते हैं। ठीक है ना, जोन सी मोबाइलों में अच्छी बातें थी, बुरी बातें थी, मैं बता दी हैं इस मोबाइल, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हैं यहाँ पर, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, अभी 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो मैं कहा था 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी, तो मैं छोटे से छोटा करने की कोशिश की वीडियो को, बट फिर भी काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद एप्पल से रिलेटेड और सैमसंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मालूमात दूसरों तक पहुँच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।